हेलो, आज का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लाइन्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि हम नीट के टाइम भूल जाते हैं, उसको रिवाइज करना होता है। मैं सिर्फ उन लाइन्स को बताऊँगी। सो फर्स्ट लाइन इज़ एरिस्टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैरलस लीनियस इन टू किंगडम प्लांटी एनिमेलिया दिया था। डेमेरिट्स क्या थे? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इन दोनों का इन्होंने एक ही में रख दिया था। और जो बॉक्स गिवन है वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। आर एच विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाया, प्लांटी, एनिमेलिया, इनका मेन क्राइटेरिया क्या था? मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वॉज सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। एल्गी और प्लांट, इन दोनों में सेल वॉल्स होती हैं, बट नाउ किंगडम प्रोटिस्टा, क्लाइडोमोनास एंड क्लोरेला, इन दोनों को अब इसमें रखा गया है। फाइलोजेनेटिक क्या है? बेस्ड ऑन एवोल्यूशन रिलेशनशिप। फर्स्ट सब टॉपिक के किंगडम मोनेरा 2.1। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। शेप्स के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया था। स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, स्पायरल शेप स्पायरलियम। नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नॉन नेक्स्ट टॉपिक इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लिव इन हार्श हैबिटेट, हेलोफाइल्स जो सॉल्ट में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग, थर्मोसिडोफिल्स, मार्शी एरियाज में मिथेनोजेंस रहते हैं। डिफरेंट सेल वॉल होती है, इसीलिए सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। मिथेनोजेंस ये कहाँ प्रेजेंट होता है? गट ऑफ सेवरल रिमिनेंट काउ एंड बफलो, इससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, बनती है। 2.1.2 जो सब टॉपिक गिवन है एनसीईआरटी की, में आप चेक कर सकते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, क्लोरोफिल ए होता है उसमें, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज में, जो कॉलोनीज होती हैं उसमें बाहर साइड जेलेटिनस शीथ होती है, एंड दीज कॉलोनीज फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। सम फिक्स एटमोसफेरिक नाइट्रोजन बाई यूजिंग हेट्रोसिस, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एनाबिना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ दीज ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड, एंटीबायोटिक्स, कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर सारी डिजीज कॉज करते हैं दीज बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा लैक कंप्लीट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। दीज आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। किंगडम प्रोटिस्टा में पहला आता है क्राइसोफाइट्स, इसमें डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी होती हैं जिसको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, इसलिए इसको प्लैंकटन्स बोलते हैं। टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं एज सो बॉक्स। सिलिका वॉल्स इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं। डायटमिशियस अर्थ जो भी इसके डायटम्स होते हैं, ये इसकी ओशन में प्रॉपर एक लेयर फॉर्म कर लेती है, इसीलिए इसको बोलते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। द नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजेलेट्स, दे आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल इसकी स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स बनी होती है, टू फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सली। एग्जाम्पल इज गोनियोलक्स, रेड टाइड्स कॉज करता है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज जुगलिनॉइड। दीज आर फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सेल वॉल इसमें नहीं होती है, उसी प्लेस पे पेलिकल होता है, वे प्रोटीन रिच लेयर है, ये जुगलिनॉइड्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। इफ सनलाइट प्रेजेंट देन ये बिहेव करता है एज फोटोसिंथेटिक, इफ अगर नहीं होता है, डार्क होता है, तो इट बिहेव एज हेटरोट्रॉफ्स। स्लाइम मोल्ड्स, दीज आर सेप्रोफेटिक प्रोटिस्ट, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेता है, प्रोटोजोवंस।
प्रोटोजोन्स कई तरीके के होते हैं, लाइक अमीबॉइड फैजिलेटेड सीलेटेड स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड में सीरोपोडिया होते हैं जो कि फॉल्स फीट बोलते हैं, एग्जाम्पल्स एंड अमीबा। फैजिलेटेड में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा सीलेटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। नाउ नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसमें डाइकैरियोफेज होते हैं, डाइकैरियोफेज सिर्फ दो में प्रेजेंट होता है, एस्कोमाइसिटीज बैसिडियोमाइसिटीज। बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज। 2.3.1 फाइकोमाइसिटीज, ये इसका टाइप है फाइकोमाइसिटीज। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स के रूप में। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स फॉर्म एंडोजेनसली टू गैमीट्स का फ्यूजन, डाइगोस्पोर कहलाता है। एंड गैमीट्स होते हैं आइसोगैमस इफ दे लुक सिमिलर, एंड आइसोगैमस एंड ओगैमस इफ दे लुक डिसिमिलर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यूट्रोमाइसिटीज। इसके जो कुछ होते हैं, कुछ न्यूट्रोमाइसिटीज सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग इसमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल इज ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटे, ब्लैडरवर्ट, वेनस फ्लाईट्रैप, इंसेक्टिवोरस होते हैं, पार्शली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। क्रासक्यूटर जिसको बोलते हैं अमरबेल, ये पैरासाइट होता है प्लांट में। और नेक्स्ट सब टॉपिक इज वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस पे जो भी इंपॉर्टेंस है आपको मैं वो बता रही हूँ। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस का नेम किसने दिया था, डिमिट्री मोरोस्की 1892 में। वायरॉइड्स का नाम टीओडाइनर 1971 में। ये लो मॉलिकुलर वेट होता है, फ्री आरएनए होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती है, ये कॉज करता है BSE बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफलोपैथी, और वी कैन कॉल CR जैकब डिजीज CJD। लाइकेंस में एल्गल कॉम्पोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोंट, एंड फंगल कॉम्पोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोंट। आप इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो भी हम लोग भूल जाते हैं, मैंने सिर्फ आपको वो बताई हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स के पहले रिवाइज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।